सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में बात हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आपने यदि वो टॉपिक नहीं देखा तो टॉपिक की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करने वाले बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की प्रमुख नदियों किनारे बसे शहर। ये टॉपिक एग्जाम की तरफ से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे जिससे अपने टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला है जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा जमशेदपुर हो गया वो है स्वर्णरेखा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे याद करके चलें, जमशेदपुर है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कटक शहर किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। तो कटक शहर हो गया वो है महानदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, तो कोलकाता शहर वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसे याद कर चलें फ्रेंड्स। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया गुवाहाटी शहर किस नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इसके लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे जिससे अपने पूरे शहर कवर हो जाएंगे। तो गुवाहाटी शहर हो गया वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है फ्रेंड्स, याद करके चलें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हैदराबाद शहर किस नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो हैदराबाद शहर हो गया हुआ है फ्रेंड्स मुसी नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारा विजयवाड़ा शहर हो गया हुआ है कृष्णा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पणजी शहर किस नदी पर स्थित है। पणजी शहर वो गोवा की राजधानी है, तो पणजी शहर वो मांडवी नदी पर स्थित है, याद करके चले इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पुणे शहर किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। हमारा पुणे शहर हो गया वो है मुठा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके चले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है नासिक शहर किस नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नासिक शहर हो गया गोदावरी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। तो हमारा सूरत शहर हो गया त्राप्ती नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे भी याद कर चलें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है गांधीनगर व अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है। तो ये हमारे साबरमती नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पटना शहर किस नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा पटना शहर हो गया गंगा व सोन नदी पर स्थित है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर चलें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हरिद्वार किस नदी पर स्थित है। तो हमारा हरिद्वार हो गया वो है गंगा नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है वाराणसी शहर किस नदी पर स्थित है। तो वाराणसी शहर हो गया फ्रेंड्स वो है वो भी गंगा नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कानपुर शहर किस नदी पर स्थित है। तो ये भी हो गया हमारा वो है गंगा नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर चलें। ये चार पाँच शहर हैं। नेक्स्ट हमारा इलाहाबाद शहर किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ये है गंगा यमुना नदी के संगम पर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मुरादाबाद व बरेली शहर किस नदी पर स्थित है। तो मुरादाबाद बरेली हो गई रामगंगा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे भी याद करके चले। तो हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्रीनगर शहर किस नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा श्रीनगर हो गया झेलम नदी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली शहर किस नदी पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो दिल्ली शहर है यमुना नदी, कन्फ्यूज नहीं होना, याद करके चलें। नेक्स्ट बात करते हैं, आगरा व मथुरा शहर किस नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी हमारा है यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमारा लखनऊ शहर हो गया वो है गोमती नदी पर स्थित है, इसे भी याद करके चलें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स अयोध्या शहर किस नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, जहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या शहर हो गया वो है हमारा सरयू नदी के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जबलपुर शहर, वेरी इंपॉर्टेंट जबलपुर शहर, हमारा जबलपुर शहर हो गया फ्रेंड्स वो है नर्मदा नदी के किनारे, ये आर्मी के लिए प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिरोजपुर व लुधियाना शहर किस नदी पर स्थित है। फिरोजपुर और लुधियाना फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, वो है हमारा सतलज नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हो गया कोटा शहर किस नदी पर स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो कोटा शहर है चंबल नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके चलें, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अजमेर शहर किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। वो अजमेर हो गया वो हमारा लूणी नदी पर स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, उज्जैन शहर किस नदी पर है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उज्जैन शहर है शिप्रा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे भी याद करके चलें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सोनपुर शहर किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सोनपुर शहर है वो है गंडक नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, तो इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना है।
और नेक्स्ट हमारा नेपा शहर किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? नेपा शहर है वो हो गया हमारा त्राप्ती नदी पर स्थित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा ये टॉपिक है भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, अब इसी से रिलेटेड है, वो एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमने अभी जितने भी शहरों की बात की है वो कौन सी नदी पर बसे हैं वो इस अपने प्रैक्टिस सेट में वो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हमने अभी बात की है फ्रेंड्स पीछे, तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है फ्रेंड्स? इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, आप आंसर कमेंट कर सकते हो, आप अपने मन में भी सोच सकते हो। तो सरयू नदी के किनारे हो अयोध्या शहर बसा है फ्रेंड्स, जहाँ भी राम मंदिर बनने जा रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है गंगा व यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, अभी हमने पीछे बात की, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो गंगा यमुना नदी के किनारे हो गया वो है इलाहाबाद शहर, याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है फ्रेंड्स, जो अभी हमने अभी बात की है वो है, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो हमारा नर्मदा नदी के किनारे हो गया वो है जबलपुर शहर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे याद करके चलें, एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है फ्रेंड्स? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन से ही पता लग गया होगा यमुना शहर है वो हमारा कहाँ बसा है, तो इसके लिए भी 5 सेकंड का समय मिलता है। तो हमारा दिल्ली शहर हो गया, दिल्ली शहर है यमुना नदी के किनारे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है आज के प्रैक्टिस सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, तो इसके लिए भी है आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या अपने मन में भी सोच सकते हो। तो झेलम नदी के किनारे है फ्रेंड्स हमारा श्रीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो फ्रेंड्स हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बताओ, अभी हमने पीछे बात की है, तो हमारा उगली नदी के किनारे हो गया वो है फ्रेंड्स कोलकाता शहर बसा है उगली नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर। तो चलो फ्रेंड्स आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसके लिए भी है वो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, तो आपको आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स चंबल नदी के किनारे है वो कौन सा शहर बसा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और तो एक लाइक तो बनता है, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।